नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। जब तन्हाई में आपकी याद आती है, होठों पे एक ही फरियाद आती है, खुदा आपको हर खुशी दे, क्योंकि आज भी हमारी हर खुशी आपके बाद आती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशि फल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गए। वो मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। आपको सोच समझकर विश्वास करना चाहिए, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, कितने ही करीब क्यों ना हो। विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर करो, जो हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। मेरा वजूद नहीं किसी तलवार और तख्तो ताज का मोहताज। मैं अपने हुनर और होठों की हंसी से लोगों के दिलों पर राज करती हूं। आप भी हमेशा प्यार से रहिए सबके साथ, फिर सब आपके अपने बन जाएंगे। कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती रहती है, पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है, रेड कलर। और लकी जो नंबर है वो 5 रहेगा आज के दिन। आज आपके सितारे कहते हैं कि काम से जुड़ी यात्रा में सफलता मिल सकती है आपको, लेकिन ट्रैवल के समय आपको अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने स्पेशली स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य से जुड़ी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन अपने साथ रखिएगा। पति पत्नी के बीच हुए विवादों के कारण घर से जुड़े किसी भी फैसले तक पहुंचना आज थोड़ा आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। टेंशन्स के बावजूद भी आपके कामों में असर नहीं पड़ेगा। दूर के रिलेटिव्स के साथ आज मुलाकात हो सकती है। अगर पिता या बड़े भाई के साथ आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो ज़्यादा संभल कर काम करना होगा। आप में कोई भी मनमुटाव भी हो सकता है आपस में, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर छात्राओं के लिए भी समय जो है आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही नज़रिए से शुभ फलदायक साबित होगा। व्यक्तिगत कार्यों में सफलता मिलने से मानसिक शांति आप फील कर पाएंगे। कठिन से कठिन काम को आप अपने पक्के विश्वास से पूरा करने की क्षमता रखते हैं, और आप ये ज़रूर कर पाएंगे क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं हैं। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जी हाँ, आज भी कुछ ऐसी ही ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कि आप जो है दूसरों की बातों मान लोगे और खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए खुद पर भरोसा रखकर कार्य कीजिए, दूसरों पर नहीं, तभी सफलता आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ ही जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपको मजबूत बनाकर रखने पड़ेंगे। हर किसी से बना कर रखिए, कोई भी किसी भी वक्त आपके काम आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। साथ में आज आपके स्वभाव में संयम और अनुशासन दोनों लाने की ज़रूरत है। परिस्थितियों पर काबू करने की कोशिश आज आपकी सफल हो सकती है। ज़्यादातर काम आपके मन के मुताबिक होंगे। जिन लोगों के साथ आपके विचार मिलते जुलते नहीं हैं, उन लोगों को भी आप अपने विचारों से सहमत करवाने में आज सफलता हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स के साथ आज कुछ कहा सुनी हो सकती है, कोई डिबेट वगैरह हो सकती है, किसी बात कोई बात ऐसी हो कि जिससे कि बहुत ही बड़ा आपका जो है माहौल जो है नेगेटिव क्रिएट हो सकता है। तो आपको जो है ज़रा इस बात की ध्यान रहने की ज़रूरत है। और हाँ, आप में से कुछ लोग आज जो है काफ़ी हद तक जो है मनमुटाव एक दूसरे के बीच में इसका सोल्यूशन भी कर पाएंगे। साथ में आज सितारे कहते हैं कि आप घर की साज सज्जा का सामान जो है वो खरीदने में आप ज़्यादा बिजी रहेंगे। घर के रख रखाव से रिलेटेड जो है आप ऑनलाइन शॉपिंग में समय काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को कैरियर से रिलेटेड कोई शुभ सूचनाएं भी मिल सकती हैं। बस ध्यान रखिएगा कि घर की व्यस्तता की वजह से आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम कहीं छूट ना जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो छूट गए तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा।
दिनचर्या को आज आपको व्यवस्थित करना होगा। घर का काम घर पर कीजिए और दुकान का काम दुकान पर कीजिएगा। आज जो है कॉस्मेटिक्स जिनकी शॉप है उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। कभी कभी गुस्सा या वाणी में आज कटुता भी देखने को मिल सकती है जिससे कि बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अरे मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगी, मन प्रसन्न और शांत रहेगा और शांति आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो आज बिजनेस और करियर में व्यावसायिक क्षेत्र में ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके जो बिजनेस में काम कर रहे वर्कर्स हैं आज कुछ लापरवाही कर सकते हैं, इसलिए आपको जो है कहीं नुकसान ना होने पाए और आपको उनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साथ में आज ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ छोटा मोटा नुकसान कर बैठेंगे। आज आपको इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा कहते आए हूँ कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, शॉर्ट टर्म मत कीजिएगा। इसके साथ ही काम से जुड़ी जो मुश्किलें हैं उनकी जो सावधानी है आपको बहुत ही सावधानी से जो है सामना करना पड़ेगा। लापरवाही मत कीजिए, सब कुछ आप फोकस में रह कर आप काम कीजिए तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में जो है आज आपको कुछ नए अनुबंध भी मिल सकते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। व्यवसाय के लोगों के बीच में आपकी जो इमेज है और मान प्रतिष्ठा है वो भी काफ़ी बढ़ेगी, इज्जत मिलेगी आपको। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी स्थिति यथावत ही रहेगी, यानी कि जैसी है वैसी ही रहेगी कईयों की, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आपकी स्थितियाँ बहुत पहले से बेटर हो सकती है। काम को दिए हुए वक्त में आपको पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जितना आपको टाइम मिला है टारगेट को कम्प्लीट करने के लिए आपको उसी टाइम में काम को जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही में आज सितारे ये भी कहती है कि स्वास्थ्य जो है वो आपको थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है। चलिए बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ कहती है कि पारिवारिक माहौल बहुत ही सुकून भरा रहेगा। सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। साथ ही में आज आप दोनों में काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि आप दोनों में आपसी सामंजस्य बड़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन में अगर आपका कोई तनाव चल रहा था तो आपका जो तनाव है वो ख़त्म हो सकता है। रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया निकल सकती है आपकी। आपके और पार्टनर्स के बीच में संबंध काफ़ी मधुर होने वाले हैं। साथ ही में पति पत्नी जो हैं आज कहीं डिनर पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में जो है पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर से कुछ भी छिपाइएगा मत, क्योंकि अलग आप जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है अगर आपने कुछ ऐसा छुपाया और वो आपको शक कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये चीज़ बना कर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि गैस और कब्जियत की शिकायत आप में से कुछ लोगों को हो सकती है। तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, और हाँ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। इसके साथ ही आज कई लोगों को खून की कमी हो सकती है, खून से जुड़ी बीमारियों की वजह से अस्वस्थता हो सकती है, तो आपको भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में लेने चाहिए। कंधे और पेट की बीमारी कई लोगों को हो सकती है, तो अनदेखा मत कीजिएगा, और कई लोगों को खांसी जुकाम जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आपको देसी नुस्खे अपनाने चाहिए, आपको बहुत ही अच्छे और बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही आज मानसिक शांति के लिए जो है आज आप जो है धार्मिक रुझान की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप धार्मिक चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिल सकती है। और हाँ ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ना, इससे जो है मन में शांति भी मिलती है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। चलिए मंत्र में अब बात कर ही लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है घर से निकलते वक्त छोटी सी कन्या को कुछ उपहार देना चाहिए, या फिर आप पैसे वगैरह भी दे सकते हैं। इसी के साथ ही घर से निकलते वक्त आप जो है अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाकर निकलेगा, इससे सारा दिन बरकत बनी रहती है और आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, सभी काम आपके जल्दी ही पूरे होते नजर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।